श्रद्धा भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार द्वारा तारा मंदिर, छठ घाट एवं भयहरण स्थान सहित कई छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा तैयारियों का जायजा लिया गया। छठ पूजा के अवसर पर लाखों की संख्या में छठ व्रती अर्घ अर्पित करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम तारा मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात भयहरण छठ घाट का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी छठ घाटों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा छठ घाटों पर आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया। छठ घाटों पर जहां पर डूबने की संभावनाएं रहती है या पानी अधिक है वैसे स्थान पर गोताखोर और मास्टर तैराक की व्यवस्था करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। छठ घाट पर छठ व्रतियों के आने जाने के लिए पहुंच पथ बनाने का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज भी प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा बांका, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा बांका, जिला आपूर्ति पदाधिकारी बांका, जिला परिवहन पदाधिकारी बांका, जिला स्थापना उप समाहर्ता बांका सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। दिवाली का पर्व हम लोगों ने सफलतापूर्वक मनाया है और इसके उपरांत हम लोग का प्रयास यही है कि छठ भी इस बार पूरे बांका जिले में अच्छे से मने। इसी क्रम में आज मेरे विकास आयुक्त एसडीएम साहब, नगर परिषद के अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग नगर क्षेत्र एवं सभी जगहों पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि साफ़ सफाई जो है वो रहे और घाटों में सुरक्षा दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, इन सब का भी हम लोग प्रबंधन की व्यवस्था कर रहे हैं। जितने भी प्रखंड हैं उनमें प्रखंड वरीय पदाधिकारियों को भी आज और कल भेजा गया है सभी जगह पर समीक्षा करने के लिए कि कोई भी खतरनाक घाट या तालाब है तो उसको भी चिन्हित करा जाए और साफ सफाई की खासकर व्यवस्था जो है सुनिश्चित की। ढोल नगाड़े के थाप पर झूमते भक्तों ने नम आंखों से मां काली की प्रतिमा का किया विसर्जन। पिछले एक सप्ताह से वाद्य यंत्रों पर बज रहे भक्ति गीतों से सराबोर हो रहे शहरवासी आज एकाएक मायूस नजर आने लगे। मायूस हो भी क्यों नहीं, मां काली की प्रतिमा को आज नदी में जो विसर्जित कर दिया गया। ज्ञातों के शहर में शिवाजी चौक स्थित मां काली मंदिर और बाबूटोला स्थित मां तारा मंदिर में भव्य रूप से मां काली का पूजा पाठ किया जाता है। खासकर मां तारा मंदिर के समीप तो भव्य मेला भी लगता है जहां शहर के आसपास के क्षेत्रों में हजारों नर नारी बाल बच्चे मेला देखने आते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए खिलौने आदि की खरीदारी भी करते हैं। दोनों स्थानों पर मेला शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हो गया। इसके लिए मेला समिति के सदस्यगण तो बधाई के पात्र तो थे ही, प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त देखी गई। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह और एसडीपीओ के नेतृत्व में चौक चौराहों पर तो पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस का पेट्रोलिंग भी जबरदस्त देखी गई। भागलपुर में पिछले 30 वर्षों से चिकित्सा सेवा में कार्यरत एमएलसी डॉक्टर एनके यादव गरीबों, जरूरतमंदों, पिछड़ों के लिए एक मसीहा साबित हुए हैं। चिकित्सा सेवा के साथ मानव सेवा करना उनकी कार्यशैली का एक अहम हिस्सा है। इस तहत उन्होंने पिछले महीने से भागलपुर जिला का विभिन्न प्रखंडों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर मानव सेवा का मिसाल काम किया है। वो खुद ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार जरूरतमंदों की सेवा में सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उनके दोनों संतान डॉक्टर श्रेया यादव जी एवं डॉक्टर निलय कृष्णा जी द्वारा डॉक्टर एन के यादव जी के सौजन्य से सुदूर गांवों में आयोजित निःशुल्क शिविरों में गरीबों, निसायों की सेवा में चिकित्सकीय मदद करते देखा जा सकता है। सच कहा जाए तो राजनीतिक और मानव सेवा में सामंजस्य बिठाकर चलने में डॉक्टर साहब का कोई जोड़ नहीं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता, सर्वसुलभता, सेवा भाव को देखकर दल ने उन्हें दो बार एमएससी के लिए उम्मीदवार बनाया और दोनों दफा डॉक्टर साहब ने लंबे अंतराल से जीत दर्ज की है। सच तो यह है कि भागलपुर लोक सेवा क्षेत्र वासी उन्हें दिल्ली भेजना चाहती है और डॉक्टर साहब जैसे सुयोग व्यक्ति को भागलपुर लोकसभा का नेतृत्व करते देखना चाहती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि यदि डॉक्टर साहब को दल में अपना उम्मीदवार बनाए तो यहाँ से डॉक्टर साहब रिकॉर्ड मतों से विजयी प्राप्त करेंगे। बीरकुंवर सिंह मैदान पर भवन निर्माण पर रोक लगाने पर युवा समाजसेवी जवाहर झा ने डीएम का जताया आभार। आगामी लोकसभा चुनाव में बांका संसदीय क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी जवाहर झा ने बांका शहर के हृदय स्थल पर स्थित बीरकुंवर सिंह मैदान में शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण पर बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत किया है। इस कार्य के लिए उन्होंने जिलाधिकारी का आभार जताया है। इसको लेकर समाजसेवी जवाहर झा ने बताया कि बाबू बीरकुंवर सिंह की विरासत की पहचान इस मैदान को संरक्षित करने के लिए उन्होंने बांका डीएम से मुलाकात की थी। इसके
पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य पर रोक लगा दिया गया, जिसका उन्होंने स्वागत किया है। वहीं जिलाधिकारी से मुलाकात के क्रम में जिले के छठ घाट की व्यवस्था एवं साफ सफाई आदि की भी विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह भी मौजूद थे। आधार कार्ड बनवाने निकली दो बच्चों की मां हुई लापता। बौसी थाना क्षेत्र के डेली पाथर गांव निवासी एक महिला के अपने दो बच्चे के साथ लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गुमशुदा महिला के पति ने बौसी थाना में लिखित आवेदन देकर अपनी पत्नी के बरामदगी की गुहार पुलिस से लगाई है। लापता महिला के पति प्रकाश तांती ने बताया कि उसकी पत्नी घर से अपनी सास को आधार कार्ड बनवाने के लिए बौसी ब्लॉक जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन कुछ घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ आ गया एवं जब वह घर लौट कर नहीं आए तो रिश्तेदारों में खोजबीन भी की, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं महिला के साथ दो बच्चियां ब्यूटी कुमारी एवं स्वीटी कुमारी भी गुमशुदा है। इन दिनों समाज सेवी लगातार अपने पंचायत के तमाम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अर्थियां उठाने को लेकर परिजनों को कर रहे हैं आर्थिक रूप से मदद। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बाराहाट सोंडीहा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी नाधानगर निवासी गौतम कुमार यादव को आज अपने पंचायत के वार्ड नंबर 8 ग्राम बिसरपुर पप्पू दास के 55 वर्षीय पिता नरसिंह दास के देहांत होने की खबर जैसे ही मिली, जानकारी मिलती है पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी गौतम कुमार यादव तुरंत अपने सहयोगियों के साथ पप्पू दास के घर पहुंचकर मृत आत्मा को शांति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिजनों को संतावना देते हुए 2500 रुपए नगद राशि देकर सहयोग किया। वहीं पप्पू दास ने बताया कि मेरे पिताजी लंबे समय से बीमार थे जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मौके पर समाज सेवी गौतम कुमार यादव के साथ वार्ड सदस्य अनिक लाल दास, मांगू दास, विजय दास, पंचानंद हरिजन, दिनेश मंडल, प्रेम कुमार, रीता देवी, अनीता देवी, पूजा कुमारी, सुगिया देवी आदि मौजूद होकर शोक संवेदना व्यक्त किया।